हाँ जी बच्चों, चल रहा है हमारे पास चैप्टर 13 फिजिक्स एनसीईआरटी का, क्लास 12th का न्यूक्लियाई। और लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिके, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तीन तरह के रेडियो एक्टिव डिके करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है अल्फा, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस डिके। अभी अल्फा डिके का मतलब है अ डिके इन विच द हीलियम न्यूक्लियस Hf2O4 इज एमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, डिके ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम 92-238 ब्रेक्स अप एंड गिव क्या देता है ये, थोरियम 92-34 और एक अल्फा पार्टिकल निकाल देता है Hg2O4, और कुछ एनर्जी निकालता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्यू पॉइंट एनर्जी। नाउ अल्फा डिके में हम जनरल इक्वेशन भी पढ़ सकते हैं। इन अल्फा डिके ए या जनरल इक्वेशन लिखते हैं, अगर हमारे पास एलिमेंट एक्स जेड ए है, ये अंडरगो करता है अल्फा डिके, Hg2O4 दे देता है और कुछ क्यू पॉइंट एनर्जी दे देगा, जो एनर्जी निकलेगी अभी देखते हैं क्या है। इट गिव्स वाई इज जेड -2a -4। अल्फा डिके के अंदर हमारे पास जो जेड है वो 2 से कम हो जाएगा और ए हमारे पास 4 से कम हो जाएगा और कुछ एनर्जी निकलेगी। ये रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो सकता है ये रिएक्शन, अगर इसका मास ऑफ एक्स इज मोर देन मास ऑफ वाई डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ हीलियम। ओके, तो ये कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ये आना चाहिए आपको 1 मार्क, एक एग्जांपल अल्फा डिके का 1 मार्क। नाउ क्यू वैल्यू हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्यू वैल्यू क्या है। क्यू वैल्यू है एनर्जी, क्यू वैल्यू इज मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम। ये रहा हमारे पास डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। दिस क्यू इज द नेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स वाई एंड द हीलियम एटम इफ द इनिशियल पेरेंट न्यूक्लियस एक्स इज एट रेस्ट। यहाँ पर हमारे पास n/p रेशियो इंक्रीजेस। n/p रेशियो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर न्यूमेरिकल के लिए क्यू पॉइंट एनर्जी हम देखते हैं, तो देखो क्यू पॉइंट एनर्जी जो है उसका ब्रेकेज कैसे आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू, ये अल्फा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा एनर्जी ले जाएगा, दैट विल बी a-4/a के रेशियो में इंटू क्यू। और जो हमारे पास वाई पार्टिकल लेगा वो हमारे पास सिर्फ 4/a इंटू क्यू एनर्जी लेगा। यह हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अल्फा डिके। नाउ सेकेंड हमारे पास है बीटा डिके। बीटा डिके दो तरीके का है। ए पार्ट में हम करते हैं बीटा माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिके। इलेक्ट्रॉन के डिके में एमिशन ऑफ अ बीटा माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। हमने शुरू में छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, अगर हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, नीचे हम चार्ज रखेंगे 0 और ऊपर हम मास रखेंगे 1। लो यहाँ रफ में लिख लेते हैं, अगर प्रोटॉन लिखना है तो लिखेंगे 1 और 1, नीचे हमारे पास क्या है, चार्ज है, और ऊपर हमारे पास लेफ्ट में मास है। नाउ एक न्यूट्रॉन हमको देता है एक प्रोटॉन, चार्ज 1 मास 1, प्लस एक इलेक्ट्रॉन देता है, चार्ज -1 और मास हम लेते हैं 0 क्योंकि बहुत छोटा मास है, प्लस एक और पार्टिकल देता है जिसके पास सिर्फ स्पिन होती है एंटी न्यूट्रिनो। यह है एंटी न्यूट्रिनो।
ये सिर्फ एक इनर्जी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो, मतलब न्यूट्रिनो को डिस्ट्रॉय कर देगा. हमने क्या यहाँ पर क्या देखा, जेड द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय प्लस वन से बढ़ जाएगा. एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉस्फोरस 15 32 गिव्स सल्फर 16 32. ए में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, माइनस वन जीरो और एक एंटी न्यूट्रिनो न्यू डैश. नाउ द एनर्जी रिलीज ड्यू टू मास डिफेक्ट इज शेयर्ड बाय द डॉटर न्यूक्लियाई, ये और ये. एन बाय पी रेशियो हेयर डिक्रीजेस. यहाँ पर हमारे पास कभी कभी एन बाय पी रेशियो करते हैं तो एन बाय पी रेशियो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि प्रोटोन बढ़ रहे हैं. नाउ ये हो गया हमारे पास बीटा माइनस डीके. बी पार्ट में हम करते हैं बीटा प्लस डीके. अब ये बीटा प्लस क्या है, बीटा प्लस को हम पॉजिट्रॉन भी बोलते थे. दिस इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल जिसके पास चार्ज जो होगा वो होगा प्रोटॉन का, और जो मास होगा वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन से उल्टा चार्ज होगा इतना प्रोटॉन का प्लस ई, और मास होगा इलेक्ट्रॉन का. नाउ द एमिशन ऑफ अ पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस या ई प्लस भी लिखते हैं इसको, फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ बीटा प्लस डिके. इसमें हमने कहा अ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इनटू अ न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो. देखो एक प्रोटॉन पी, नीचे चार्ज ऊपर मास, ने क्या दिया न्यूट्रॉन दिया चार्ज जीरो मास वन, प्लस एक पॉजिट्रॉन दिया ई प्लस वन और मास हमारे पास जीरो बहुत कम है, प्लस न्यूट्रिनो. ये हमारे पास पार्टिकल है न्यूट्रिनो जो कई साल तक अनडिटेक्टेड गया था क्योंकि ये अर्थ से भी पास कर जाता है, सिर्फ एनर्जी है और स्पिन है. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए वन मार्क के लिए. सोडियम 1122 गिव्स नियोन 1022 प्लस एक पॉजिट्रॉन ई प्लस वन जीरो और एक न्यूट्रिनो. ये रहा हमारे पास पॉजिट्रॉन ई प्लस या बीटा प्लस. नाउ एटॉमिक नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा बन रहा है तो हमने क्या कहा एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय वन, या हम इसको लिख देते हैं माइनस वन इज बीटा प्लस डीके. एनर्जी रिलीज ड्यू टू द मास डिफेक्ट इज शेयर्ड बाय द डॉटर न्यूक्लियाई, ये दोनों एनर्जी शेयर करेंगे. ओके नाउ इन सब में हमने क्या देखा, चाहे वो बीटा माइनस डीके हो या बीटा प्लस डीके हो, हमारे पास ए को नो चेंज, जो मास नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं है. ओके नाउ थर्ड डीके हमारे पास है, थर्ड इज गामा डीके. गामा या फोटोन डीके. नाउ जब भी अल्फा या बीटा डीके होगा, बीटा प्लस या बीटा माइनस, जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई होता है वो अनस्टेबल होता है. तो स्टेबिलिटी लाने के लिए वो जो एमिट करेगा फोटोन, वो उसकी एनर्जी गामा रीजन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम में जाएगी, तो उसको कहते हैं गामा डीके. फॉर एग्जांपल ये रहा हमारे पास कोबाल्ट. कोबाल्ट इज 2760. कोबाल्ट ने 2760 ने एक बीटा माइनस डीके अंडरगो किया और उसने दिया हमें निकल 2860, और ये हमको दिया ये था अनस्टेबल. क्योंकि ये अनस्टेबल था, ये स्टेबलाइज करने के लिए इसने कुछ एनर्जी दी. ये एनर्जी ऑफ गामा हमने कहा 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसने ये एनर्जी एमिट कर दी.
तो ये कब स्टेबल हो गया, इज क्वाजी स्टेबल, क्वाजी स्टेबल हो गया, अभी भी पूरा स्टेबल नहीं हुआ। फिर इसने फिर एनर्जी एमिट करी, ई गामा इज 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी एमिट करी, तब ये हमारे पास बना स्टेबल निकल 2860, निकल 2860। ये आपको एग्जांपल आना चाहिए, ये दोनों वैल्यूज आने चाहिए। गामा डिके कभी कभी 2 मार्क का अलग से आ जाता है। ओके, गामा डिके की डेफिनेशन देखते हैं। आफ्टर अल्फा और बीटा डिके द डॉटर न्यूक्लियस रिमेन्स इन एन एक्साइटेड स्टेट, ये वाला डॉटर न्यूक्लियस रिमेन्स इन एन एक्साइटेड स्टेट विच इन टर्न स्पॉन्टेनियसली डिकेज टू इट्स ग्राउंड डिके ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग अ फोटोन। अभी यहाँ पर दो तरीके से फोटोन्स एमिट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ गामा डिके बिकॉज एनर्जी ऑफ द फोटोन लाइज इन द गामा रीजन। ये जो एनर्जी है ये गामा रीजन में ईएम स्पेक्ट्रम के में लाई करती है, वी कैन रेफर ईएम वेव्स चैप्टर। ओके, ये अल्फा बीटा गामा डिके अलग अलग से आते हैं, 2 या 3 मार्क्स के लिए आपको आने चाहिए। इसके साथ थ्योरी ख़त्म होती है और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद न्यूक्लियाई के। राइट टू मी फॉर एनी फिजिक्स क्वेरी, ऑल्सो सेंड गिव कमेंट्स फीडबैक लाइक्स एंड रेस्पॉन्स बाय सब्सक्राइबिंग, दिस इज द लाइकिंग, क्लिक ऑन इट एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, मेक इट बेटर टू फाइंड इट बेटर नेक्स्ट टाइम, क्लिक ऑन द 4 कनेक्टिंग वीडियोज टू कंप्लीट द होल चैप्टर।